أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. या अल्लाह, जो जो कोशिशें हम आपके कलाम को समझने के लिए कर रहे हैं उसमें साबित खदमी अता फरमाइए, दिलचस्पी अता फरमाइए, कुरान के लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाइए, इसका सही फहम हासिल करने की कोशिश की तौफीक अता फरमाइए। वाखरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, एज प्रॉमिस्ड आई वांटेड टू शो यू अ ट्रेजर ऑफ कुरानिक नॉलेज। मैं एक लिंक भेजा था, उसका यहाँ पर है tafsir.app। Did anyone succeed in downloading it? इसका डाउनलोड कोई मुश्किल नहीं है, एक सेकंड में सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। दानिश, डिड यू ट्राई टू डाउनलोड इट? दानिश रहमान, अस्सलाम वालेकुम दानिश सर, अभी ज्वाइन करते हैं दानिश। अच्छा, दानिश ने वैसे जी डाउनलोड कर लिया था ये। अच्छा, अभी किए सर? नहीं, उन्होंने एक दो दिन पहले जब आपने सेंड किया था तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया था, खुल गया था उनसे लिंक। आप भी किए थे क्या? कुछ आप भी किए उसको सर? डाउनलोड? मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकी, लेकिन कोई बात नहीं सर मैंने नहीं किया जी, दानिश ने किया था और जी। कोई किया इसको? जी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मैंने किया है। सो डिड यू फाइंड एनीथिंग? कुछ समझ में भी आया क्या है, क्यों मैं ये रिकमेंड किया? हाँ, इसमें जो है अभी इसको एक्सप्लोर तो नहीं किया, मगर इसमें हेडिंग से ही ये उम्महात आमतुन मआसरा, फिर ये तफसीर कुरान, फिर तफसीर जलालैन, अजवाउल बयान, पूरे बहुत सारे इसमें हेडिंग से ही पता चल रहा कि ये जामे वेबसाइट है और इससे जो है कुरान तदब्बुर व अमल, ऐसरुल तफासीर, तैसीरुल करीमुर रहमान, अल मुख्तसर अल मैसर, क्या है बहुत सारे, तो इससे ही पता चल रहा कि ये बहुत ही जो है जखीम लिटरेचर है और अस्सलाम बहुत ही। वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ गए आप। जी सर, मैंने भी देखा था सर इसको जो आपने वेबसाइट शेयर की थी, माशाल्लाह काफी ज्यादा इसमें इकट्ठा किया हुआ है मटेरियल को, तफासीर भी हैं, मसाहिफ भी हैं, बल्कि ऐसे ऐसे मसाहिफ हैं जो शायद वैसे अब कभी नजर भी ना आए। और जो इसमें बहस वाला जो फीचर था सर्च करने वाला, वो मैंने देखा काफी यूजफुल है। उसकी मिसाल शायद कॉर्पस कुरान में देखी थी पहले, लेकिन यहाँ पहली दफा देखा कि एक एक लफ्ज को रूट वर्ड लिख के सर्च करने पे जितने कलाम पाक में उसके इस्तेमाल थे, माजी के मुजारे के, सब सामने आ। ये बहस में तो बहुत मिलेंगे, इस्लाम 360 है, कॉर्पस कुरान है और बहुत है इसमें, और भी हैं, बेशुमार हैं, जिसमें एक लफ्ज टाइप करते कुरान में वो लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी है। इसकी एक खसूसियत है, थोड़ा सा बी पेशेंट। इसमें जो मैं समझा रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की समझ में ना आए, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, सब लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। बात बहुत अहम और
समझने की है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हर एक को टाइम लगेगा, उसकी इस्तेदाद, उसकी अपना IQ, उसकी अपनी दिलचस्पी कुरान में। सबसे पहली बात यहाँ पर, इतने तफासीर की मुकम्मल जिल्दें जमा की गई हैं, अगर आप डॉलर खर्च करके एक रूम बनाए और उसमें कई शेल्फ लगाए, तो ये सारे तफासीर उसमें नहीं आ सकते, एक लाइब्रेरी बनाएंगे। उसके बाद उसको रेफर करेंगे, कोई एक आयत जैसे 225 हम पढ़ रहे थे सूरह बकरा की, उस आयत के लिए 40 तफासीर आप रेफर करेंगे, शेल्फ में जाएंगे, उसकी कौन सी जिल्द में उस आयत की तफसीर है निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ये बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये जो बहस तफसीर उलूम मसाहिफ और माजिम है, इसमें से सिर्फ तफसीर को मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पर तफसीर है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ जो उन्वानात लिखे हुए हैं, उम्महातुल तफासीर, उम्महातुल तफासीर, ये तफासीर की माए, उम्महात आमतौर पे उम्मुल सूरा, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। दैट इज द वेरी बेसिक बिलीफ इज देयर, जिसमें अल्लाह ने बंदे की ज़बान में अल्लाह की तारीफ सिखाई, दुआ सिखाई, तो उम्मुल कुरान उसे कहते हैं। तो मैंने ओरिजिनल, ओरिजिनल, अब ये ओरिजिनल क्या होते हैं, अगर आप मौजूदा ज़माने की कोई तफसीर उठा के देखें, तो ये उम्महात के बग़ैर कुरान की तफसीर हो ही नहीं सकती। कोई आलिम, कोई तालिबे इल्म अगर कुरान को समझना चाहता है, तो वो उम्महात, जिसमें ओरिजिनल रिसर्च कुरान के बारे में, ये किसी से बारो नहीं करते। अगर आप कोई मौजूदा तफसीर हैं, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी की है, या फिर तदब्बुर कुरान है, या फिर कुतुब शहीद की है, किसी की भी है, चाहे वो बिल्कुल मॉडर्न हो या मेडिवियल पीरियड की हो, तो इनमें से किसी तफसीर के हवाले के बग़ैर तफसीर हो ही नहीं सकती, ये ओरिजिनल है। इनमें जितने नाम आए हैं, ये तमाम नाम अगर आप कोई तफसीर की किताब पढ़ेंगे, तो ये नाम के साथ, ये अल-तिबरी का ये ख्याल है, इब्ने कसीर का ये ख्याल है, कुर्तुबी का ये ख्याल है, बगवी का ये ख्याल है, यहाँ तमाम ये नामों के साथ। और ये उम्महात आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेट है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरी की डेट है, हिजरत के बाद, ये 310 हिजरी में ये तफसीर की गई है, ये 773 में, ये 671 में, ये 516 में, है ना, ये 280 हिजरी, 200, ये तमाम है। इसमें आप देखेंगे कि ये नाम ये हर तफसीर में मिलेंगे, इवन मॉडर्न मुफसिर मुफसरीन जो हैं, कुतुब शहीद हैं मौलाना, या फिर मौलाना मौदूदी हैं, या फिर तदब्बुर कुरान हैं, ये जितने हैं वो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उसको छोड़ के इनके हवाले ज़रूर देते, इनके बग़ैर कोई तफसीर कर ही नहीं सकता। These are the
ओरिजिनल तफासीर ऑफ कुरान। और बहुत से लोगों को मालूम भी होगा जो कभी तफसीर का मुताला करते हैं, ये इनके हवाले हर जगह मिलेंगे हमको, वह है अत्तिबरी इब्ने कसीर। इब्ने कसीर कहीं है आपके पास, कोई जिल्द है, कहीं देखे हैं, और बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, उठा के देख लीजिए, इब्ने कसीर में कहीं नहीं मिलेगा कि तिबरी ने ऐसा कहा, कुर्तुबी ने ऐसा कहा, बगवी ने ऐसा कहा। यू विल नेवर फाइंड इट, इनमें कहीं किसी का हवाला नहीं होगा। ओरिजिनल तफासिर कहलाते हैं, ओरिजिनल तफासिर, इनकी अपनी रिसर्च है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अकायद के लिहाज से ग्रुप बंदी यहाँ कहीं नहीं है, कोई बरेलवी ग्रुप नहीं है उस वक्त तक, और ना कोई देवबंदी ग्रुप है, ना कोई वहाबी ग्रुप है, ना कोई मौदूदी ग्रुप है, कोई और ग्रुपिंग जो हुई है शिया सुन्नी, ऐसा कोई ग्रुपिंग इसमें नहीं। सिर्फ कुरान में अल्लाह सुबहानहू तआला का क्या मैसेज है। लेकिन बाद में जितनी तफासिर निकली हैं तो उसके ग्रुप बन गए। एक बरेलवी ग्रुप है, वो बरेलवी उलमा के तफासिर पढ़ता है। एक देवबंदी ग्रुप है जो देवबंदी उलमा के तफासिर पढ़ता है। और उसी तरह से बहुत से हैं। तो हमको कुरान की जो ओरिजिनल तफसीर है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। ये जो हैं ये उम्महात में से हैं, ये ओरिजिनल हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हदीस की ओरिजिनल किताबों को क्या कहते हैं? बहुत किताबें हैं आपको सैकड़ों की तादाद में हदीस पे किताबें मिलती हैं। क्या कहेंगे? सही सित्ता। क्यों क्यों सही सहाय सित्ता क्यों कहते हैं? छह अहादीस की छह किताबें, क्या 1000 से ज्यादा किताबें मार्केट में मिलती है हदीस की। Why they are called सहाय सित्ता? सर क्योंकि सर इनकी असनाद पूरी है, जितनी भी इनकी मतलब जो इनके लिंक्स हैं, जिन जिन से रावियों की कोई मतलब इसमें जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया था कि मतलब उसमें जो भी उनके रावी हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने डिफाइन करके उनको फॉलो करके देन दे कलेक्टेड ऑल दीज अहादीस जिनको सहाय सित्ता में फिर उन्होंने जमा किया। ठीक है, लेकिन सबसे अहम वजह पूरा रिफरेंस जो खाला जैसा आप बता रहे थे उसमें जो हम पढ़ रहे थे अहादीस, तो खाला अबू हुरैरा और खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खाला अल्लाह, ऐसा जो लिंक मिल रहा था तो वो इन सही सित्ता में है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। नहीं देखिए, छोटी सी बातें हैं इंसान को कुरान हदीस पढ़ने के लिए थोड़ा उनका उलूम हासिल करना ज़रूरी है। सहाय सित्ता अब तक जो बातें आपने कही सब सही कही, कोई भी गलत उसमें नहीं है। लेकिन सहाय सित्ता इसलिए कहते हैं कि वो छः ओरिजिनल बुक्स हैं अहादीस के। आपको तिरमिजी शरीफ में मुस्लिम और बुखारी का रेफरेंस नहीं मिलेगा, बुखारी ने ऐसा जो रिसर्च किया है। अबू दाऊद में किसी का रेफरेंस नहीं मिलेगा। दो सिक्स बुक्स आर द ओरिजिनल रिसर्च ऑफ दोर ऑफ दोस मुहद्दिसीन। वो छः जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, ये सारे जो हैं ये दीज आर द ओरिजिनल रिसर्चर्स ऑफ द हदीस। इन्होंने जो तमाम लिंक मालूम किए थे ये इनका ओरिजिनल काम है। इनमें कहीं भी आपको किसी में भी
तिरमिजी में बुखारी का रेफरेंस नहीं मिलेगा, मुस्लिम का नहीं मिलेगा, बुखारी में तिरमिजी का नहीं मिलेगा, अबू दाऊद का नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी हैं ओरिजिनल बुक्स हैं वो छः, वो उसके बाद जितने भी हैं उनमें से उनवानात के लिहाज से या रिपीटेशन को ख़त्म करके या लोगों के लिए आसान बना दिया, आसान बना दिया, मारिफुल कुरान हैं बहुत से हैं, बहुत से हैं। और फिर वो क्या है वो व्हाट इज दैट कौन सी किताब जो हम पढ़ते हैं ना आमतौर पे रियाज़ुस सालेहीन है। ये सब मुख्तलिफ ओरिजिनल अहादीस से लेके जिसमें लिंक सही हैं, ओरिजिनल रिसर्च है, वो छः हैं। उसके बाद कोई ओरिजिनल काम नहीं हुआ, बल्कि उसी में से अहादीस लेके किसी ने जो चेन है उसको निकाल के सिर्फ अहादीस का मतन लिख दिया ताकि समझने में लोगों को आसान हो, ये मुब्तदियों के लिए, मुब्तदियों के लिए। लेकिन जो सियाए सत्ता की स्टडी करेगा वो जो है वो ओरिजिनल काम था हदीस पे जो हुआ उसको करेगा। वैसे ही जो कुरान में अब ये जो उम्महात हैं ये उनकी यहाँ पर तफसील है। अब इनमें भी ये सहाबा से ताबईन से उनका हवाला दिए बगैर बहुत सी चीज़ें लिखते हैं उनके इल्म से, रिसर्च से। और उसके बाद एक सिलसिला है वो जमा अख़वाल, ये भी सहाबा ताबईन तबअ ताबईन से लेके उनके जो रिसर्च थी उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। फिर उसी तरह से ये और आम होती गई जैसे जैसे टाइम बदलते गया। इसमें कई ऐसे हैं माहवर्दी, जितने आप पढ़ेंगे कोई एक या दो तीन जितने भी ओरिजिनल बुक्स हैं उसका हवाला दिए बगैर उसके कुरान की तफसीर हो ही नहीं सकती। तो इनके पढ़ने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हम किसी ग्रुप से मुतालक नहीं हो जाएंगे, कुरान का सही मैसेज हम तक पहुंचेगा। और ये ओरिजिनल रिसर्च है, उसमें ग्रुप बंदी कहीं नहीं हुई। इसी तरह से फ़िक़्हा के मसाइल निकले, फ़िक़्हा के मसाइल में सबको मालूम है कि हर जगह एक ग्रुप है जो इमाम आज़म के फ़िक़्हा पे चलता है, कि इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, ये उनके फ़िक़्हा पे चलने वाले, वो अपना ग्रुप अलग बना लिए, ये शाफ़ी ग्रुप है, ये इमाम मालिक का ग्रुप है, इमाम उन्होंने नाम भी रख लिए हनफी। वो सब मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी को जो कर रहा है वह हर एक करे ज़रूर, लेकिन वो ग्रुप तो बन गए बहर। और लेकिन सबका मंबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान और हदीस है, वहीं से लिए हैं। कोई अपनी तरफ से नया दीन, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस होगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए जो ओरिजिनल पॉइंट है जिसे हम मंबा कहते हैं, किसी दरिया का मंबा होता है जहाँ से दरिया निकलता है और कहीं जाके गिर जाता है समंदर में, उसे डेल्टा कहते हैं। तो वो जो मंबा है तमाम का एक ही है, वो कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस। चलिए इसको भी बहुत सी चीज़ें अभी आपको बताना है, मैं खुद अभी रिसर्च के स्टेज में हूँ। अब मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि हाउ टू डू इट एंड हाउ दिस पीपल हैव मेड इट वेरी इजी फॉर अस। जैसे आप ये सूरह के ऊपर क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल द 114 सूरास, ऑल द 114 सूरा। इसमें आपको कन्फ्यूजन किसी एक सूरे की
किसी एक आयत पे है, या उसका आप दूसरी जगह उसी टॉपिक पे क्या बात है? एक हम देखे थे कि वला तनकिहुल मुशरिकात वाली आयत थी, सूरह मायदा में भी आई है, और फिर सूरह निसा में किन से निकाह हराम है उस वो भी आई है। तो ऐसी जितनी आयतें हैं हम एक ही सेकंड में विदाउट टेकिंग एनी टाइम बकरा से मायदा में जा सकते हैं, निसा में जा सकते हैं, वो आयत के रेफरेंस। अब ये हम यहाँ से देखिए सूरह बकरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सूरह बकरा। उसके बाद यहाँ पर है आयत नंबर, यहाँ पर है आयत नंबर, मैं आयत नंबर 220 क्या है वो 3 है 5 है, याद है किसी को 25 तो अलग है, 23 होगी मैं समझ, एम आई राइट? नहीं 23 नहीं है, 22 हो गए, 225 की थी हमने जिसमें वो अल्लाह बिल्लाह कसम की थी। नहीं कसम नहीं, वला तो श्री को क्या है, वला तनकिहुल मुशरिकात, वो कौन सी आयत है? 21 थी सर। आर यू श्योर? यस 221 जी सर, ये 221 देखिए आयत आ गई, वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वलामतुमन, ये आयत आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इस आयत के साथ ही अगर मैं जामेउल बयान में हजरत तिबरी अलैहि रहमा 210 में जो तफसीर लिखे हैं, ये 28 जिल्दों में, इब्ने कसीर के 19 जिल्दों में, अब मैं जामेउल बयान में इसकी क्या तफसीर लिखते हैं, सिर्फ इसको क्लिक करूंगा, ये आयत मेरे पास हो गई, ये आयत मेरे पास आ गई, वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला मतुये अल खौलु फि तावील खौलिहि ताला वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना कालु अबू जाफर اختلف اهل التاويل في هذا هذه الايات هل نزلت مرادا بها كل مشركه ام مراد بحكمهما بعض المشركات دون البعض وهل نسق منها بعد وجوب الحكم بها شيئا। अब इसमें जितनी बातें उसमें हैं है ना, ये फिर हत्ता के माने क्या है ये पूरा, लेकिन मुश्किल ये है कि ये उर्दू में नहीं है, और जो हम ग्रामर समझे हैं वो पढ़े हैं उसके लिए तमाम ये तमाम चीज़ें एक मुफस्सिर की, जो ओरिजिनल मुफस्सिर है ना, उनके तमाम ख्यालात इसमें यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद मैं ये पढ़ लिया, आई वॉन्ट टू कंपेयर इट विथ अनदर मुफस्सिर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू क्लोज इट, ये यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, ये आयत वैसे ही है, अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आई वॉन्ट टू रिफर व्हाट डज इब्ने कसीर सेज, सेम आयत है, सेम आयत है, इब्ने कसीर ने इसके ऊपर क्या लिखा, ये एक रिसर्च का काम, जिसको वाकई में दिलचस्पी है, जो आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम पे पहुँचते जाएंगे, वो जो है वाला था ये इब्ने कसीर ओरिजिनल। अब यहाँ पर कहीं भी आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा कि बगवी ने क्या कहा, तिब्रानी ने क्या कहा, जितने ओरिजिनल बुक्स हैं उसका कहीं रेफरेंस नहीं, इनकी अपनी रिसर्च है। अब उसके अंदर मैं ये सब पढ़ लिया, बहुत आसान है, उसके अंदर पूरे एराब के साथ है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही ये चीज़ें आ सकती। इब्ने कसीर मैं पढ़ लिया, क्या रिसर्च हो रही है मेरी, देखिए उसके बाद जो है ये कुर्तुबी के अंदर इनका अलग अंदाज बयान है, मसाइल क्या क्या निकलते हैं वो पूरा बयान करते हैं, और ये है तकरीबन 24 जिल्दों में। अब मैं
तफसीर खुरतुबी है ना, ये अब इसमें जितने मसाइल हैं पूरी तफसील, वला तनकुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वल अहमतु मोमिना, सब आ मसाइल, और उसमें लिखते हैं कि इसमें सात मसले हैं। अलूला पहला मसला, खौलहु ताला वला तनकिहु, करातुल मजहूर बिफते ताई व करातु फिशार बिजम्मी, उसके पूरी निचोड़ कैसे इखराज की जा रही है, क्या उसमें मैसेज आ रहा है, मसला क्या है, दूसरा मसला क्या है, सेवन मसाइल हर, ये पूरा खुरतुबी में एक आयत में कितने मसाइल हैं वो हमको मिलेंगे। अब ये मैं पूरा इसके बारे में, एक ही आयत है, एक ही जगह में वो आयत का रेफरेंस सिर्फ डाला, देन ये खुरतुबी के सात मसाइल अबाउट जस्ट वन आया, अबाउट वन आया। ये भी मैं देख लिया, एक जहन खुल जाता है। उसके बाद हम जो अपनी तफसीर में मुख्तलिफ तफासिर पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे जो पहुँचते हैं वो कैसे, ठीक है ना, खुरतुबी हो गया। अब बगवी आप उठा के देखेंगे, तफसीर मजहरी है, अब पूरों के रेफरेंस तक तो कोई भी तफसीर नहीं दे सकती है ना, कोई बगवी के देता है, कोई खुरतुबी के, कोई इब्ने कसीर के, कोई एक दो के देता है ना। अब ये बगवी, ये 516 में लिखी गई 11 जिल्दों में। अब मैं बगवी को क्लिप करता हूँ। बगवी में अब उन्होंने इसी आयत के बारे में, इसी आयत के बारे में क्या क्या लिखा, तुनकुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना के बारे में उन्होंने क्या लिखा। इसके बाद के टुकड़े के बारे में, एक एक टुकड़े के बारे में, वला तुम मोमिन तुम खैर मुशरिका, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद ये इब्ने जौजी है, जिसको चाहे 24 बड़ी बड़ी, और एक बहुत बड़े मुफस्सिर जो रूहुल मानी आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि अलैहिम या अलैहु, ये तफसीर है। इसमें जितने जिस तफसीर को मैं देखना चाहता हूँ उसको मैं फर्स्ट सिर्फ क्लिप करना है, आयत वहाँ पर मौजूद है। अब ये हजरत आलूसी जो है, ये रूहुल माने माने हर कुरान के लफ्ज की रूह तक पहुँचना, उसके मानों के ताल्लुक से रिसर्च जो आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने की है वो बड़ा काम है ना, पूरे अखबाल के साथ साहबा के इस लफ्ज़ के क्या माने हैं, इसका सिचुएशन क्या है, और किस तरह ये लफ्ज़ क्ला उसमें इस्तेमाल हुआ है। देख अब इसे भी मैं जो तफसीर चाहे मैं देख उसको क्लोज कर दिया, इसमें से कोई भी तफसीर, ठीक। अब उसमें दूसरी चीज ये है कि ये आयत है, और मैं जामिल बयान देख रहा था, समझिए, उसमें अहवालुल मसादिर और ये इससे पहले की आयत, इसके बाद की आयत, उसमें भी अगर मुझे देखना है, ये प्लस माइनस यहाँ पर है, आयतुल आलिया और उसके बाद की मसदर आयतुस साबिका। अब मुझे इससे पहले की आयत देखना है, उसके बाद की आयत देखना है, ये सब है। फिर दुनिया वाला आखरा या सलून का नीलिया तामा, इसके बारे में, यानी मुझे आयत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुताला चल रहा है पूरी एक आयत में, उससे पहले की आयत में क्या है और उससे पहले की आयत में क्या है, या सलून का पूरे अहकाम इसके अंदर मौजूद है।
उसके बाद की आयत में देखना चाहता हूँ। ये साबिखा था, इसके बाद की आयत, उसके बाद की देखना चाहता हूँ, यह वाला तन क्यों, उसके बाद की देखना चाहता हूँ, यह हम ओमिट कर रहे थे। उसके बाद की देखना चाहता हूँ, एक मुफस्सिर का इसको मैं क्लोज कर दिया, फिर दूसरे मुफस्सिर को मैं देख रहा हूँ तो कहीं मुझे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले की है तो उसके बाद की है। इट विल टेक टाइम बट इसमें आपको सिर्फ मुश्किल ये है कि वो अरबी में है, लेकिन अगर पढ़ें तो एराब के साथ है, उसमें अरबी भी आपके इम्प्रूव होगी और मतन भी समझ में आ सकता है। कुछ नहीं तो कम से कम ये जितने इब्ने जरी है, इनके फेमस मुफस्सरीन के जो तफासिर हैं, ये सादी अल रहमा की भी तफसीर है, अल जज़ायरी की भी तफसीर है, ये कहीं से जमा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सारे यहाँ पर मौजूद। इसी आयत में मैं किसी को भी सादी अल रहमा की तफसीर देखता हूँ तो वो यहाँ पर मौजूद है। आर यू गेटिंग एनी आइडिया दानिश? बिल्कुल समझ में आ रहा है, काफी मुश्किल तफसील के साथ हर चीज़ और तफसील और बहुत इसमें, लेकिन हर एक के बस का फिलहाल वो नहीं है, हर एक इसको पूरा कर नहीं सकता, लेकिन दैट्स द वे टू टेक एंड। सर यही सबसे बड़ी है कि ये सारा जैसा कभी आज नहीं तो कल हर एक अगर दिलचस्पी लेगा तो अल्लाह सुबहान व तआला उसके लिए रास्ते भी खोलेंगे और फिर जो उसका फहम भी बढ़ेगा, तो उसको जो बेचैनी अंदर होती है कि इसका सही मकसद क्या है, सही मतलब क्या है, वो हम खुद से तो नहीं कर सकते जब तक के उम्महात की तफसीर हम न जाने। ये एक हो गया, ठीक है। इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, मैं खुद अभी एक तालिब इल्म हूँ, ऐसे कई साइट हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए, एक तो ये बहस का हो गया, ये तफसीर है, बहस में ये करना पड़ता है कि अब इसमें तन की हु आया था, वला तन की हुल मुशिकत, अब ये निकाह के बारे में जितनी आयतें हैं, फ़ैन तल्लखा, ये भी जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में तल्लाक की जो आयतें हैं, है ना, फिर वो जो है वला तनकु, सूरह निसा में मा नकाहा आबा हुकुम मिनन निसा इल्ला, ये जो उनका तरीक़ा था कि अपनी बाप की बेवाओं से भी शादी कर लेते थे, सूरह निसा में उसमें जितने भी आयतें आए हैं, और फिर जो है वो ये सारे इसके रेफरेंसेस पूरे हमको मिल जाएंगे बहस में, कहाँ पर कौन सा, ये हम किस में बहस में देख रहे हैं, बहस के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक उसमें पार्ट है उलूम, उलूम। अब उलूम में देखिए, हम एराब को बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़े हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कहाँ ज़बर आता है, कहाँ ज़ेर आता है, कहाँ पेश आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ें। तब उसमें एराब में देखिए, आप जो किताब मैं फॉलो करता हूँ, मेरे पास जो है वो महीउद्दीन दरवेश की है, पूरा 9 जिल्दें यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी आयत के, मेरी याद बदल तो नहीं होगी, नहीं, इसमें 221 चल रही थी या 22 23, 25 ले लेते हैं जो हम परसों ख़त्म करें। ला युआख़िज़ुकुम अल्लाहु बिल्लग़वी, बिल्लग़वी मीन फ़ी अहमानिकुम। अब इसके एराब मुझे देखना है और एराब के बारे में जानना है, तो मैं सीधा जो है यहाँ चले गया, एराबुल क़ुरान, ये महीउद्दीन दर। एराब पे एक ही नहीं है,
एराबुल मैसर एक किताब है, दो मुजल्दात में है, एराबुल कुरान ये एक है, ये चार जिल्दों में है। जदवल फिल एराबुल कुरान व सरफ बयानहू ये अलग है, ये 8 जिल्दों में है। और अलबाब है, ये भी 24 जिल्दों में है। ये एक ही किताब नहीं, बहुत से सारे तहलील कलमातुल कुरान हैं। अब इसको मैं ये करता हूँ, यहाँ पर उर्जतन की लगत क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो पूरे एराब के बारे में क्या लिखते हैं। वला तजालू वाओ इस्तेनाफिया, ठीक है, यानी वही जिसको हम हमेशा अत्फ कहते हैं, या फिर अत्फ होगा तो वाओ अत्फिया लिखेंगे, या फिर कंजक्शन होगा तो इस्तेनाफिया लिखेंगे। वही है जाला इस्मुल्लाह मा मोरिजन लिअमानिकुम, ये वला तजलू बिजरखन हाजिजन बी अन तहलिफू बिही, इसमें और अकबर से आज बहुत लोग आए भाई। बेमानी फाइल नहीं उस्तमाम, है आजकल, 12 ही है, हाँ बहुत से लोग बोल, 12 ही है आज, कम तो बस कम इसलिए, इंडिया हालांकि से खाली वही मुमताज नजीब टीचर नहीं है, हुसैनी आयशा क्लास के मॉनिटर गायब है, डॉक्टर अब्बासी नहीं है, डॉक्टर खाजी नहीं है। बस से नहीं है। बहरहाल जी खैर, जिसके मकसूम में वही सीखेंगे, जिसके मकसूम में नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक अहम चीज़ बता रहा था, क्योंकि भी ना कभी जिंदगी में काम आने वाली एराबुल कुरान। और एक ही नहीं है, मैं अभी बताया ना, इसको मैं उसी आयत को क्लोज करके अगर कहीं जाना चाहता हूँ, है ना, वो किसी और की एराब देखना चाहता हूँ, ये अलबाब अलैमानकुम ताहमिलु वजीहिन, अंतबर्रू, कितनी तफसील इसके अंदर मौजूद है। ये कभी खोल के देखते रहें तो इससे इल्म में भी इजाफा होगा, मालूमात में, कभी कभी जब भी फुर्सत मिले। वो इजा मर्रू बिल लगवी, अब ये मर्रू का लफ्ज़ और कहाँ पर आया, सूरह फरखान की 72वीं आयत में है, ला यस्मूना फीहा लगवों, ये सूरह मरियम की 62 में है, और हैं और क्या है, कौन सी आयत में लगू का लफ्ज़ आया है, और ये मैं पर्सनल रेफरेंस भी दिया था मोमिनीन के ताल्लुक़ से, इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। अब इसमें कुछ नहीं है, सूरह फरखान की 72वीं आयत है, इस आयत को रिफ़र करना है तो सीधा मैं फिर अपने इसमें चला जाऊंगा, ये जो इसको क्लोज करूंगा, और उसके बाद ये जो तफसीर है इसमें मैं सूरह फरखान में जाऊंगा, 72वीं आयत नहीं, सूरह बकरा, ये सूरह फुरकान, ये सूरह फुरकान की 72, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما। ना अब इसी आयत के ताल्लुक से मुख्तलिफ मुफस्सरीन हैं जामे बयान में, तो भी क्या कहते हैं,
एक खजाना है पूरा छुपा हुआ, एक खजाना है पूरा छुपा हुआ, और इतनी आसानी से जस्ट वो विद द क्लिक ऑफ ए फिंगर, विद द क्लिक ऑफ ए फिंगर यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। इससे जिनको दिलचस्पी है वो यकीनन इसमें थोड़ा कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगरचे कि ये अरबी में। और सारे उम्मुल तफासिर हैं। फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दिया, ये पूरे और ये तफसीर में ना मुसाहिफ में गए थे, उलूम में गए थे, उलूम में एराब हैं और करात के तरीक़े हैं, ये तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वो 7 तरीक़े, 10 तरीक़े हैं कुरान, उसके तरीक़े भी बताएं, कहाँ किसने कैसे कुरान को पढ़ा है, मुसाहिफ ये भी है, लेकिन अभी इसके आपको ज़रूरत नहीं है। रस्म जदीद क्या है, कदीम क्या है, पहले कुरान कैसे लिखी गई थी, ये सारी चीज़ें इसमें। अब ये सबसे और एक आखिरी माजिम है, ये पूरे जो हैं आप जिंदगी भर इतने डिक्शनरीज जमा नहीं कर सकते, कोई नहीं जमा कर सकता। मेरे पास 2-3 डिक्शनरी, 3 या 4 डिक्शनरी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये 2-3-4, हाँ 4 से बढ़ के नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सारे ये पूरे डिक्शनरीज हैं। अब जैसे खामोसुल मुहीत में किसी लफ्ज़ के मायने देखने हैं मुझे, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है कौन सा लफ्ज़ के मायने मुझे नहीं मालूम। अब मैं कहता हूँ मर्रा, मर या मर्रो, मर्रो इसके मायने कहाँ क्या कैसे निकलते हैं, ये तमाम जो है उन्होंने इसमें इसमें दे दी। या फिर जो है मैं कुछ और लिखता हूँ, वो जैसे वला तो वला तन के हो न कहा, इसके कैसे कैसे मायने निकलते हैं। लिसानुल अरब, माजिम, ये पूरे डिक्शनरीज हैं। इब्ने फ़ारस 375 में लिखी गई, दिस आर ऑल डिक्शनरीज। डू यू थिंक इट इज इट्स ए गुड थिंग फॉर योर रिसर्च। और बहुत कुछ है, जैसे जैसे आप कहते जाएंगे, इज देर एनी क्वेश्चन माजिम, ये सारी चीज़ें हैं। बहस में तो आपको कई साइड मिल जाएंगे, कॉर्पस कुरान भी है, इस्लाम 360 भी है। अब ये कौन सी आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इज देर एनीथिंग डिड यू लर्न, दानिश आपने जो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बोलो सर, अरबी से अरबी को कैसे सीखेंगे, थोड़े कुछ से भी नहीं समझ आ रहा जो भी आगे लिखा हुआ है वो तो। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ता, किसी को भी, मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आता था। वो जो ग्रामर पढ़े उसमें से 75% समझ में आता है, यहाँ पर जो है
जो भी आयत को भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस का, ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन वो एराब भी समझ में आएंगे अगर आप वो जो एराब वाला में बताया उसमें मुसाहफ में जाएंगे तो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा मुझे रहे, बता देने से कोई चीज़ नहीं आती, बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है उससे तफसीर आयत की समझने में मदद मिलती है। इससे रिसर्च वर्क जिसमें कुरान को सही समझने में, वो खाली तर्जुमा पढ़ लेने से भी वो बात समझ में नहीं आ सकती, कोई उर्दू की तफसीर पढ़ने से भी उतना बात क्लियर नहीं होती, उसमें बयास भी होती हैं बहुत सी चीज़ों में, इट टेक्स टाइम। लेकिन एक आपको एक तोहफा दे रहा हूँ, कभी भी जब भी फुर्सत रही है आप बैठें और ये अपने पास डाउनलोड कर लें, ये तो मैं समझता हूँ फ़ोन पे तो नहीं होगा, दानिश ये फ़ोन पे भी हो रहा है क्या? मैं तो ट्राई नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर पे ही डाउनलोड हो रहा। सर मैंने फोन पे ट्राई, नहीं मैंने समझता फ़ोन पे इतना सारी चीज़ें आ जाएंगी सर। फोन पे मेरा ख्याल है कि देखा नहीं है, इसलिए कुछ भी हो मैंने नहीं अभी मैं तक भी ट्राई नहीं नहीं देखा, किया, मैं भी नहीं भी देखा। कंप्यूटर नहीं किया हमने। नहीं वो अपन हम जो काम कर रहे हैं वो भी चलता ही रहेगा, लेकिन फुर्सत के औकात में उसको अगर कभी भी देखते रहे तो मैं समझता हूँ कि कभी एक वक्त वो आता है ज़िंदगी में कि इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें। इज इट नॉट ए वेरी रिच साइट, जो चीज़ें किसी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में जाके दस्तियाब नहीं है, वो आपके स्क्रीन पे विद जस्ट ए टच ऑफ योर फिंगर दे आर अवेलेबल। दानिश सबके काम आने वाली चीज़ नहीं है। जी सर बिल्कुल, थोड़ा सा यही है कि अरबी की प्रैक्टिस हो जाए तो ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ हर चीज़ अवेलेबल है, ऑथेंटिसिटी के हवाले से उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ी रिसोर्स रहेगा करने ये से बात। होती है। देखिए खाली रीडिंग जी बिल्कुल, किसी भी ज़बान में कराते हैं बच्चों को, इंग्लिश की रीडिंग कराते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कितना समझे, किसी का 30% होता है, एक किताब आप दे दिए बच्चे के हाथ में से पढ़ो, उसके कॉम्प्रिहेंशन के सवालत, कैरेक्टर्स में कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पड़ोस, जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो वो पढ़ने के बाद 100% कॉन्सेप्ट तो उसको नहीं आता ना। कुछ रिश्ते होंगे जो वो फौरी बताएगा कि नॉवेल है या कोई स्टोरी है, बाप कौन है, बेटा कौन है, बीवी कौन है, बेटी कौन है, कैरेक्टर्स जो होते हैं, दोस्त कौन है, विलन कौन है, हीरो कौन है ना, ऐसे सवालत, या प्लॉट क्या है, कहाँ का है, शहर का है, गांव का है, या मैदान जंग का है, तो ये अगर आप उसका कॉम्प्रिहेंशन, जो आमतौर पे मॉडर्न एजुकेशन यही होती है, कोई आप कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए कोई छोटी सी किताब उसके स्टैंडर्ड के लिहाज से स्टोरी से देंगे, फिर उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होंगे, कोई 30% समझेगा, कोई 60%, कोई 80%, कोई 90%, जितनी जबान में महारत होगी, कोई 100% समझेगा, जितने कॉम्प्रिहेंशन के सवालात हैं, प्लॉट पे हैं, कैरेक्टर पे हैं, स्टोरी पे हैं, रिजल्ट पे हैं, लेसन पे हैं, तो सबके जवाब जो है वो दे दे सकेगा, लेकिन हर स्टूडेंट जो है 100% कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं, वो हर एक जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे। ख़ासतौर से अमेरिका में आप देखे होंगे यहाँ के बच्चे 500-400 सफ़े की किताब एक दिन में पढ़ के डाल देते, अब वो कॉम्प्रिहेंशन कितना आया वो तो उनके वो उस पे है, अपनी कैपेसिटी पे है कितना कॉम्प्रिहेंशन हुआ। तो वैसी है कि इसको अगर एक आयत लेके उसको कोशिश करें, इतना सारी चीज़ें नहीं बल्कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या उसका मैसेज है,
और ये पूरा अरबी में है, उससे यकीनन मुश्किल होगी। अब बहुत सी उर्दू में भी आपने दानिश आपने भी एक भेजा था मेरे पास, क्या है वो, ईज़ी कुरान वो हदीस वाला साइट, बहुत डाउनलोड है उसमें, बहुत डाउनलोड, सारे डाउनलोड करना। फिर उसमें बिल्कुल मॉडर्न तफासिर हैं जिसमें इख्तलाफात भी हो सकते हैं, वही ग्रुप बंदी वाली बात भी हो सकती है। तो मुझे वो देखा, मैं थोड़ा सा डाउनलोड भी किया, लेकिन ये ओरिजिनल जो चीज़ है, ओरिजिनल जो उम्महात हैं, दैट्स वेरी यही यही फर्क है। वो जो मैंने आपको जी मैंने जो आपको भेजा था सर, उसमें ना मैं देख ही रहा था कि काफी सारी माशाल्लाह ये तफासीर जो तफासीर ओला हैं वस्ता हैं वो उन्होंने सारी उर्दू में दी हुई है। अब ये वाला जो ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ है ये एक ऑथेंटिसिटी के साथ आ गया। अब अगर समझने की इब्तदाई सहूलत बंदे को चाहिए तो उर्दू में वहां से देख के यहाँ पर आके उसको कंफर्म भी कर सकता है और ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहरहाल अगर बैकग्राउंड रहा तो और ज्यादा अरबी समझ में भी आ जाती है। यही फायदा बेनिफिट रहेगा इंशाल्लाह। अलबाहसुल कुरानी इस वेबसाइट का नाम है, और कई हैं मेरे पास जो उसके रेफरेंसेस है, लेकिन ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था। इट्स रियली बेनिफिशियल, मगर उसके लिए हमको थोड़ा कंट्रोल आना पड़ेगा। हर एक नहीं, आप कर सकते हैं, हमारा कर सकती, थोड़ा बहुत जितने हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत से लोग जो बिल्कुल अभी मुब्तदी हैं उनके लिए इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, ये कल आप वो डाल दिया था दानिश, उसमें किसी को कोई सवाल है, होमवर्क को जो दिया था मैं, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड इट, हाउ टू डू इट, ऐसे पढ़ते हुए कहीं भी कोई वर्ब आ गया तो उस वर्ब को किसी एक कॉलम में उसका या तो मुजारे लिख लें या माजी लिख लें या मजदर लिख लें या फिर कुछ भी लिख लें, तो बाद में यू कैन पॉन्डर अपॉन इट एंड फिल अप ऑल द कॉलम्स, उसका मारूफ क्या है, मजहूल क्या है, माजी का क्या है, मुजारे का क्या है ना, इसमें फाइल क्या है, एवरी थिंग यू कैन डू इट। सर एक मैं यहाँ कहना चाह रहा था, आपने जो दूसरा एक सेटअप दिया था ना होमवर्क का, वो ये था कि जो इररेगुलर वर्ब्स हैं उनको भी लिखना है, लेकिन उसके कॉलम्स जो आपने मेंशन किए थे वो मुझे आपकी उसमें वन नोट पे नहीं मिले थे, वो मैंने शेयर नहीं किया अभी। नहीं तो उसमें सब उतने वो बनाना पड़ेगा ना आपको, टेबल्स, एक जो है महमूज के लिए महमूजुल फाई का एक टेबल, महमूजुल ऐन का एक, महमूजुल लाम का एक, फिर उसके बाद जो है उसका मौतल के हैं, मौतल में मौतल फाई में मौत का एक टेबल, या उसको जो है मिसाल, मिसाल में दो टेबल, मिसाल अच्छा भी और मिसाल याई का एक टेबल, फिर उसी तरह से अजवफ, मतलब आप कई मैं अगर टेबल इसी बना तरह के रख से लेंगे एक जहाँ पर टेबल भी और वो शेयर कर दूं, कॉलम बना दूं। कॉलम्स बना के रखें, एक एक पेज छोड़ दें, जो भी उसमें फेल आता है तो उसको कम से कम सोचने का तो मैं मौका मिलेगा एक सेकंड के लिए कि ये मौतल है, मौतल है फाई दो किस्म का होता है, एक एक होता है मिसाल, मिसाल वावी या मिसाल याई, अब वो मिसाल वावी है या याई है, शुरू में या आया या वाव आया, वो जो भी कॉलम में आएगा उसका कोई एक, या तो माजी का या मुजारे का कोई एक कॉलम में उस सेल को लिख लें, उसके नीचे चाहें तो उर्दू में माने भी लिख लें ताकि याद रहे, तो दैट विल इंक्रीज योर लर्निंग, दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव अवर अरेबिक। अगर वो सब करते रहें तो फिर ये अरबी पढ़ना और इसको 50, 60, 70% उसका फहम हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अलग से बैठ के वो पूरा काम करो मैं भला, तो ना कोई कर सकेगा ना किसी से हो सकता है,
तिलावत के दौरान में अगर कोई किसी भी किस्म का फेल आ जाए, जो हम 10-12 कर रहे हैं, है ना, रब लफीफ आ जाए, मखरून आ जाए, मफरूख आ जाए, है ना, या फिर वो जो है मुजाफ आ जाए, तो उसको कोई एक कालम में लिख लें तो लीजरली वी कैन थिंक ओवर इट। अगर कोई चीज़ फिर बाद में समझ में नहीं आ रही है तो क्लास में भी पूछ ले सकते हैं, या तफसीर के दौरान में वो लफ्ज़ आता है, एक एक कई कई बार रिपीट होता है, सो वी कैन फिल अप द कॉलम्स। ठीक है सर, एक बात बता दें प्लीज। पूछे पूछे। आपने हमें सर जो ये, जी सर, ये जितने भी जो इररेगुलर वर्ब्स वाले जितने भी वर्ड्स थे, उसमें आपने हमें बताया था कि हमने उसके जो बेस वर्ड है उसके अंदर चेक करना होता है कि उसमें जो है महमूजुल लाम है या मिसाल में से है या जो। तो सर कुरान में जो है वो मोस्टली रूट वर्ड्स होते हैं या बेस वर्ड्स होते हैं? रूट वर्ड्स होते हैं, राइट? आप कोई भी डिक्शनरी अगर आप खाला के मायने मालूम करना चाहते हैं तो आपको कोई डिक्शनरी ऐसी नहीं है जो खाफ वाओ लाम के मायने, खा वा ला के मायने नहीं देगी। दैट्स नॉट द रूट वर्ड, और रूट वर्ड तो खाला ही है, आपको डिक्शनरी में खाला देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो वाओ है वो बेस लेटर है, वो बेस लेटर आपको अमर में वापस आया, मुजारे में वापस आया, है ना, और कभी जो है वो बेस लेटर मसदर में होता है, मसदर की वजह से वो वाओ वापस आता है। तो वो बेस लेटर अगर हम उसके मुजारे को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो वाओ था जो अलीफ हो गया खाला में, खा वाला। ठीक है, उसमें आपको किसी डिक्शनरी में खा वाला नहीं मिलेगा, रूट वर्ड ही शुमार होता है। लेकिन चूंकि वो अफाले नाकिस, कुरान में तो रूट वर्ड, बिल्कुल रूट वर्ड ही बोलेंगे उसको, जो कुरान में लिखा हुआ है खाला वो रूट वर्ड है, लेकिन उसके बेस अलग है, वो बेस जो है मुजारे में लौट के आता है, खाला या खूलू जितने भी है, वो सिर्फ बेस से ही शुमार होता है। जी सर। अब ये दो क्लासेस रह गए रमजान से पहले, वो एक तो उसमें सिर्फ रिवीजन है, चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। अब लोग अभी से शायद बिजी हो गए, बहुत से लोग नहीं है। व्हाट डू यू वांट दिस वेंसडे क्लास, और शैल वी डिक्लेयर हॉलीडेज राइट आफ्टर टुडे? उस दिन भी आपके पास कितने लोग हैं? सर रिवीजन जो आपने एक मेंशन की थी वो कर लेते हैं वेंसडे को, इफ इट्स फिजिबल फॉर एवरीवन। अब पढ़ उसमें भी बोलने वाले, खैर जो भी है उतने लोग कर लें, चलो जितने भी पढ़ने वाले हैं सब तो इसमें रिवीजन में एक आयत कोई देख लें और फिर बताएं ये आयत हम करना चाहते हैं, देन वी विल डू इट इंशाल्लाह। चलिए एक और रिवीजन की क्लास कर लेते हैं, आपकी पहुँच कहाँ तक हुई, कितना समझे उसका मुझे अंदाजा हो जाए, so that I can plan something afterward. ठीक है, हमारा कुछ सीखे तुम आज? सर समझे तो कि वेबसाइट को यूज कैसे करना है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना अरबी समझने के लिए बहुत लाइक थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगा, कोई ऐसा आते जो इसको नहीं समझे, कोशिश करेंगे तो थोड़े दिन में आ जाता है। उसके लिए कोई भी पैदाइश से सीख के नहीं आता, अब तक जितना सीखे वो भी हम पैदाइश से नहीं सीखे, आप या मैं, बल्कि वी आर स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल कर रहे हैं, धीरे धीरे ही कोई चीज़ आती है। लेकिन उसके लिए एक ही आयत से ही उसको, अगर हम उसका उर्दू में तर्जुमा भी सुन चुके हैं, उसकी तफसीर भी कर चुके हैं, उसमें उठा के देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको 40-50% तक कॉम्प्रिहेंशन आता जाएगा, है ना। जो कर चुके हैं आप, उसमें से एक आयत कोई ले लीजिए, कोई भी सूरह बकरा की या सूरह ताहा की, उसका आप तर्जुमा भी जानते हैं, उसके तफसीर भी जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के,
कोई ऐसी सिंपल चीज ले लीजिए, इसमें चले जाइए तफसीर में, वायद का नंबर ताहा डालिए, बहुत तफसील से आप पढ़ चुके हैं, बकरा डालिए, है ना, बिल्कुल पहली किताब, पहली आयत ज़ालिकल किताब, उसकी पूरी तफसीर मालूम है आपको, सिर्फ वो डाल के अगर आप देखेंगे जो तफसीर है। चलिए इसमें मैं जा रहा हूँ सूरह बकरा, एक सवाल मेरा था कि ये सब हेडिंग्स है यहाँ पे, उम्महात, जमा अक्वाल, मौसुआत, आम्मतुन, तो ये भी कुछ सब कैटेगरीज हैं ये इसके? नहीं, ये हर तफसीर की एक खूबी होती है, उम्महात जो है ये इनकी अपनी रिसर्च है, और बाज तफासिर में अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का क्या कौल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास का क्या कौल है, सहाबा ताबईन के जो कौल हैं उसको जमा अख़वाल कहते हैं, उससे तफसीर करते हैं, और बहुत से तफासिर ऐसे हैं जिसमें सहाबा या ताबईन के जो ख़याल थे उसका हवाला देते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे कहाँ हुई, तो ये जमा अख़वाल के माने उन्होंने जो रिसर्च की तमाम साहबा के या फिर ताबेन के जिस जिस तक जो अख़वाल पहुँचे कि इस आयत का क्या मकसद है, कब इसका नज़ूल हुआ, क्या वाक़या था इसके बीच में, ये जमा अख़वाल तमाम अख़वाल को जमा कर लेते हैं, और इब्ने कसीर में आपको ये मिलेगा। तो इब्ने जौज़ी जो करे ये अख़वाल ही जमा करे, इनकी हाँ, अलग से तफसीर नहीं है, बस उसी में तफसीर भी रहती है, वो खौल के साथ अपने तौर पे तफसीर भी करते हैं। अच्छा, उसमें उसी में तफसीर अच्छा, भी करते हैं, तफसीर अब भी ये जैसे आलूसी करें तो ये हाँ, मौसुआत के साथ अंडर में डाले आलूसी को, हाँ, और ऊपर जो है सिद्दीक हसन खान, शुकानी, इब्ने जुज़ैया, ये आम मतुन में है, ये सबके में, ये सबके लास्ट नेम से ही मशहूर हैं, या कभी कभी फर्स्ट नेम से मशहूर हैं, ये इंतहाई मशहूर उलमा हैं, वो तिबरी है, इब्ने कसीर है, है ना, खुरतुबी है, बगवी है, कोई तफसीर आपका नया तो उठा के देख ली है उसके अंदर बगवी का ये कौल है, खुरतुबी नहीं, ये लोगों को तो, ये चारों को तो ये उम्महात के सब हेडिंग में डाले, हाँ, ये उसके बाद फिर जमा उल अख़वाल में ये जो लेते हैं, ये अख़वाल कहाँ से किसका है? कौन है वो अब्दुल्ला बिन उमर भी बहुत उनके अख़वाल हैं, कब बयान करते हैं, और सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला बिन मसूद के अख़वाल हैं कि वो क़ुरान के बारे में क्या कहते हैं, तो साहबा के अख़वाल में जो चीज़ें आती हैं उसको अख़वाल फिर ये इब्ने खय्यमा को जो डाले वो मुंतखात में डाले, ये मुख्तलिफ, और इब्ने तैमिया इमाम तैमीमी का है वो, इसमें इन्होंने इसको, लेकिन सिर्फ ये अख़वाल जमा करके नहीं छोड़ देते, बल्कि सभी लोग उसके तफसीर भी करते हैं, तफसीर ज़रूरी है। अच्छा, उनकी स्पेशलिटी है, मैं समझता हूँ, ये जमा अख़वाल तो ये दो लोग, हर तफसीर मुफस्सिर का एक अलग मूड होता है, एक अलग उसका अपना तरीक़ा होता है, उसी के लिहाज से वो तफसीर करता है, कोई जो है उसमें मसाइल बयान करता है, कोई जो है उसके अंदर तारीख बयान करता है, कोई जो है उसका क्या मौजूदा क्या उसकी अहमियत है, बगैर ये पढ़े के कोई मुफस्सिर मुंह नहीं खोल सकता, कोई मुफस्सिर लिख नहीं सकता, उनका ये मुताला बहुत दकीक होना चाहिए, होता है, उसके बगैर कोई अपने से कोई कुरान उठाया और तफसीर लिखना शुरू कर दिया, दैट्स नॉट अलाउड, वो होता भी नहीं है। ये थोड़ा सा रेफर कभी मौका मिले तो कीजिए, ये काम आने वाली है, और इंशाल्लाह मैं ये बता रहा था कि इसमें सूरह बकरा का चला गया, सुन लिया।
ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अब ये देखिए, ये तो इतने बार जालिकल किताब ला रहे बफी उदल लिल मुत्तखीन वाली आयत हमेशा पढ़ी हुई है। इसी को पहले लेके अगर आप देखें या सूरह फातिहा को लेके देखें तो उस वक्त जो है इब्ने तिबरी इसके बारे में अब क्या लिखते हैं वो आपको शायद ज्यादा आसानी होगी प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसको हम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिलमुत्तकीन अल्क़ौलु फ़ी तावील क़ौलिही जल्ल सनाहु ज़ालिकल किताब क़ाला आमतुल मुफस्सिरीन तावीलुल क़ौलुल्लाहि क़ौलुल्लाहि तआला ज़ालिकल किताब हाज़ल किताब। अभी सबके नज़दीक यही है कि ज़ालिका दूर की तरफ इशारा है, इसीलिए हाजल किताब जो हमारे हाथ में है। ज़करा मन खाला ज़ालिका हद्दसनी हारून बिन इदरीस असम्मल कूफी खाला हद्दसना अब्दुल रहमान बिन मोहम्मदुल महारिबी अन अबी जरी, ये तमाम रिवायतें हैं। अन मुजाहिद ज़ालिकल किताब खाला हुआ हाजल किताब हद्दसनी याकूब बिन इब्राहिम खाला हद्दसना इब्ने अलियती खाला अकबरना खालिदुल जज़ा अन अकरमती खाला ज़ालिकल किताब व हाजल किताब। अब जितने भी हैं यहाँ पर ये सब हाजल किताब कह रहे हैं, इसके ऊपर बहस हो रही है। कासिम बिन हसन ने क्या कहा इसमें से, है ना, आप वही हाजल किताब ज़ालिकल किताब हाजल किताब। उसके बाद आगे जो डिफरेंस आएगा काला खालून और कैफ़ुनु ज़ालिका बिमानी हाजा व हाजा ला शक्कल इशारती इलैही हाजैन मुआइन व ज़ालिकल इशारता इला गायब गैरी हाजर वला मुआइन, कोई गैर हाजिर चीज़ को ज़ालिका से तशबीह देते हैं। ज़ालिका लियान कुल्ला तख़री बिखर बिन तख़रियतिल अख़बार, ये ज़ालिकल किताब पे बस इतना सारा, एक एक जुमला पढ़ने की कोशिश करें। अब ये बस के नज़दीक ज़ालिकल किताब भी यानी बमायने तौरा तो इंजील इज़ वजह तावील ज़ालिका इला हाज़ल वजह ही फ़ाला मौनतु फ़ीहि अला मुतवल्लहु कज़ालिका। ये एक कोई बहुत ही जो हमारे मतलब में रह वाली ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि में इन्होंने इतना सारा लिख दिया है और रेफरेंसेस भी होते हैं उसमें। ओके इंशाल्लाह देखेंगे फिर। अब वेंसडे की क्लास भी बहुत ही लाइट क्लास है, उसमें जिसको जो आयत करना है 216 से घुस गया वो कर लें إن شاء الله. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا الله ہمارے لیے آپ کے کلام کا پڑھنا سمجھنا اس پہ ریسرچ کرنا اور اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا آسان بنا دیجئے اور اس کام کو قبول و منظور فرمائیے. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.